बात है मैम कि 2 साल से बिहार की जनता कोविड में दुर्गा पूजा नहीं देख पा रही है और बंगाल के बाद बिहार का ही नंबर आता है दुर्गा पूजा के लिए। और इस बार भव्य रूप में डाकबंगला चौराहा पूरा बिहार की जनता का स्वागत करती है। 2 सालों का आप इस बार भरपाई कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बाहर में भी लाइट्स वगैरह देखी है, ये पहली बार बिहार में इस टाइप का लाइट आया है और ये काफी बिहार की जनता इसे पसंद करेगी। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। आज हम बात करेंगे राजधानी पटना में बन रहे दुर्गा पूजा के पंडालों की। हर जगह अलग अलग थीम पर पंडाल बनाया जाता है, इसी क्रम में डाकबंगला पर भी एक अलग ही थीम को लेकर के पंडाल बनाया गया है। यह कोई और नहीं बल्कि विदेश के थीम को लेकर के यहाँ पर नक्काशी की जा रही है। आपको बता दें कि भारत के हर राज्य में कई हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर हैं और यही नहीं देश के हर गली मोहल्लों में भी आपको मंदिर ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं और दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। कोने कोने से लोग जो हैं हर स्थलों पर दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में इंडोनेशिया के जावा में स्थित प्रम्बानन मंदिर में जहां त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है जो कि विश्व धरोहर में शामिल है और उसका इंडोनेशिया में जो प्रम्बानन मंदिर है उसकी नक्काशी जो है डाकबंगला के पंडालों में की जा रही है। और बताते चलें कि पहली बार जो है यह देखा जाएगा कि इंडोनेशिया के प्रांगण मंदिर की प्राकृतिक पंडाल में जो है वो रूपरेखा दी जा रही है। और यही नहीं इस पंडाल के निर्माण में पहली बार स्टोन शिल्प व सीसा समेत अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं अगर लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग के जरिए दुबई का बुर्ज खलीफा व कंकाल द्वारा साइकिलिंग चलाने के साथ कई दृश्य साकार होंगे। साथ ही साथ इस बार पंडाल की ऊंचाई 90 फीट और चौड़ाई 55 फीट दी जा रही है। डाकबंगला चौराहे पर बन रहे ब्राह्मण मंदिर की तरफ पंडाल निर्माण के सनपैक रंगीन स्टोन सीसा रंगीन गोटा सीप प्लाई गिनी फोक फाइबर आदि का प्रयोग किया जा रहा है। और जो पूजा समिति के सदस्य हैं उन्होंने बताया कि पंडाल को लेकर चौराहा तक और कोतवाली के आगे तक डिजिटल लाइटिंग की सजावट होगी। साथ ही साथ इस बार यहां 17 फीट की लंबी मूर्ति बनाई जा रही है और पश्चिम बंगाल के कारीगर पंडाल बना रहे हैं। यानी कि हर बार अलग अलग थीम को लेकर डाकबंगला चौराहा पर पंडाल बनाया जाता है। इसी क्रम में इस बार विदेश में हिंदू मंदिर प्रम्बानन मंदिर की जो है यहाँ जो है पंडाल बनाया जा रहा है और काफ़ी ऊंची जो है ये पंडाल बनाई जा रही है। और साथ ही साथ डाक बंगला चौराहा से लेकर कोतवाली थाना तक जो है पूरी लाइटिंग की व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ जो मंदिर के सदस्य हैं उनके उन लोगों के तरफ से काफ़ी मेहनत की जा रही है और जो कारीगर हैं वह पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं और उनके द्वारा जो है ये इसकी जो है रूपरेखा दी जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। यानी कि दुर्गा पूजा को लेकर के विशेष तैयारियाँ जो है वो चल रही है। साथ ही साथ बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस बार हट करके तैयारी की जा रही है, क्योंकि हर बार डाकबंगला चौराहा पर अलग अलग थीम को लेकर के पंडाल बनाया जाता है। इसी क्रम में इस बार आप लोग देश को छोड़ विदेश की नक्काशी को आप लोग इस बार जो है नक्शा ले रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सोच करके ये थीम को लाया गया? सबसे बड़ी बात है मैम कि 2 साल से बिहार की जनता कोविड में दुर्गा पूजा नहीं देख पा रही है और बंगाल के बाद बिहार का ही नंबर आता है दुर्गा पूजा के लिए। तो हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने सोचा कि हम लोग इंडिया के अंदर साउथ के अंदर जितने भी मंदिर है सबको एक पे एक करके हम दिखा चुके हैं, तो इस बार कहीं बाहर का थीम लाए। तो हमारी कमेटी ने इस बार इंडोनेशिया का प्रवना टेम्पल को बनाया है। इस पूरे पंडाल को बनाने में 6 से 7 महीना का समय लगा है और भुइयां डेकोरेटर है कातिम बिदनीपुर वेस्ट बंगाल के, उन्हीं को इसका पूरा जिम्मा दिया गया है।
आप लोग कहते हैं कि साल भर अगर इस बार अगर ये पंडाल पूजा समाप्त हो जाती है तो फिर अगले साल की तैयारी में आप लोग जुट जाते हैं, कितने दिन में ये पंडाल बनकर तैयार हो जाएगा? पंचमी के दिन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी, एक महीना पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर का काम यहाँ होता है, बाकी पूरा जितना काम है, जितना डिजाइंस है, जो भी है, ये सब कलकत्ता से बन के आते हैं। ऑलरेडी पहले से जी बिल्कुल 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 कोई कसर इस बार आप लोग नहीं छोड़ने वाले? बिल्कुल नहीं, और इस बार भव्य रूप में डाक बंगला चौराहा पूरा बिहार की जनता का स्वागत करते हैं। दो सालों का आप इस बार भरपाई कर देंगे? बिल्कुल लोगों बिल्कुल को लुफ्त उठाने बिल्कुल का। बिल्कुल आपने बाहर में भी लाइट्स वगैरह देखी है, ये पहली बार बिहार में इस टाइप का लाइट आया है और ये काफी बिहार की जनता इसे पसंद करेगी निश्चित तौर पे। तो जो सामग्रियां हैं वो आप देख रहे होंगे अंदर में भी, अपने सहयोगियों को थोड़ा अंदर की चीज़ों को भी थोड़ा सा दिखाएं और आपको उन सारी चीज़ों से रूबरू करवा रहे हैं जो कि ये पंडाल में शामिल किया जाएगा, यानी कि तरह तरह की सामग्रियां हैं, लाइट है, और जो डेकोरेशन की अगर बात करें तो कोई भी कसर यहां नहीं छोड़ा जाएगा। दिन रात कारीगर जो हैं इसमें मेहनत कर रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं जो माता रानी से दर्शन करने अगर आते हैं उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ उनके लिए ना रह जाए, इसका पूरा खासा ख्याल रखा जा रहा है। यानी कि दो सालों के बाद जो है इस बार राजधानी पटना सहित हर जगह दुर्गा पंडाल जो है देखने के लिए मिल सकता है और मिलेगा, और साथ ही साथ हर तरह के चीज़ों की सुविधाएं भी दी जा रही है श्रद्धालुओं को, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के तरफ से भी पूरी मुस्तैदी के साथ जो है पुलिस प्रशासन भी जुटी हुई रहेगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डाक बंगला चौराहा पर खुद वो आते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी का। तो इसको लेकर के हम दुर्गा पूजा के पंडाल के बारे में आपको बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानकारी हो तभी आप दशहरा के दिन अपने परिवार के साथ घूमने आ सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस करो बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, धन्यवाद।